दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टर गुणनखंड। इससे रिलेटेड क्या सवाल एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, कुछ भी हो, किसी भी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, ये नंबर सिस्टम का तीसरा या चौथा वीडियो है। तीन वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, आप सबसे पहले जाके वो तीनों वीडियो देखिए। अगर आप कभी नहीं पढ़े हो या फिर पढ़ चुके हो तो आपको बिल्कुल बहुत कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ नया, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं तो उनके लिए जीरो से बताया गया है, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरे वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाके उनको देखिए, नंबर सिस्टम का अपना बेस बनाइए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, आज देखते हैं हम फैक्टर गुणनखंड क्या होता है। और हाँ, आप लोग जो वो मोबाइल में देखते हो ना, आता है बिहार एसएससी के लिए नंबर सिस्टम, एसएससी के लिए नंबर सिस्टम, रेलवे के लिए नंबर सिस्टम, ये जो कोई भी चैप्टर होता है, चाहे नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, ये किसी भी एग्जाम के लिए सेपरेट नहीं होता है। वो पूरा चैप्टर है, हर एग्जाम में उसी से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बिहार एसएससी के लिए अलग होता है और रेलवे के लिए अलग होता है या किसी और एग्जाम के लिए अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो वीडियो बनाने वाला है, वो जो पढ़ाने वाला है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उनके बातों में नहीं आना है कि बिहार एसएससी के लिए नंबर सिस्टम। पूरा जानकारी आपको होना चाहिए जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक, तब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा, अच्छे से सब सवाल बना पाइएगा, नहीं तो फिर से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा और वही ले जाएगा रिजल्ट जिनका तैयारी बढ़िया होगा, जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हो, ठीक है। इसलिए आप भी सब कुछ पढ़िए। तो चलिए आइए जानते हैं फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है, किसे कहेंगे, क्या रोल है इसका मैथमेटिक्स में, इसको बढ़िया से समझते हैं एकदम जीरो लेवल से। जैसे एक संख्या लेते हैं 6, अब बताओ कि ये 6 किन किन संख्याओं से डिविजिबल है, मतलब वे कौन कौन से संख्या हैं जो 6 को काट देगा, 6 में भाग दे देगा। तो वो पहला तो 1 है, दूसरा कौन है, 2, 2 + 6। ये 1 जो है, 1 तो दुनिया का हर संख्या को काट देता है, हर संख्या में भाग लग जाता है इससे, 1 तो उसका कोई बात नहीं। चलो 2 है, 2 + 6। तीसरा कौन है, 3 है, 3 × 6। चौथा कौन है, 4 होगा, नहीं, 4 × 8 हो जाता है, 4 × 6 को नहीं काट पाता है तो 4 नहीं होगा। 5, 5 × 10, नहीं काट पाता है। 6, 6 × 6, एक बार में काट दे रहा है। तो 6 को ये आराम से ये चारों संख्या काट दे रहा है, तो ये चारों संख्या जो है ना कहलाएगा 6 का गुणनखंड। क्या कहलाएगा, 6 का गुणनखंड। समझ में आ रहा है बात, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा। इसी को बोलेंगे 6 का गुणनखंड, 6 का फैक्टर, ठीक है। अब एक और संख्या लेते हैं 12। अब बताओ कि 12 किन किन संख्याओं से कट जाएगा, वे कौन कौन सी संख्या होगा जो 12 को काट देगा, मतलब 12 किन किन संख्याओं से डिविजिबल होगा। तो पहला संख्या 1 होगा, दूसरा 2, 2 × 6 = 12, 3, 3 × 6 = 12, 4, 4 × 12, 5, बिल्कुल नहीं, 5 × 10, 5 × 15, 12 को नहीं काट पा रहे, 6, 6 × 12, 6 है, 7, 7 × 14, 7 × 21, नहीं, 12 नहीं कट रहा है, 8, 8 × 16, 9, 9 × 18, 12 नहीं कट रहा है, 10, 10 × 20, 12 नहीं कट रहा है, 11, 11 × 22, 12 नहीं कट रहा है, 12, 12 × 12, कोई भी संख्या अपने आप से तो कटता ही, ये तो सिंपल बात है, ये कोई भी जानेगा, 6 है, 6 से कटेगा, दुनिया का कोई भी संख्या हो ना, वो दो चीज़ से तो कटेगा ही, एक एक से और एक अपने आप से, उसके सिवा और किसी किसी से कटेगा तो हम लोगों को देखना पड़ता है। तो चलो हम लोग देख लिए, तो ये सभी संख्या जो 12 को काट दे रहा है, तो ये सभी संख्या कहलाएगा 12 का गुणनखंड, ठीक है। ये अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, समझ रहे हैं, मतलब 12 का गुणनखंड। अब चलिए, आखिर इससे एग्जाम वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है, तो चलिए जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, बताओ सभी गुणनखंडों की संख्या कैठो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा 12 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी,
किसकी संख्या? सम गुणनखंड। सम कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है। तो सम गुणनखंड कैठो हुआ? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, तो चार ठो है। उसी तरह पूछेगा कि 12 का सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितना? विषम कौन कौन है? विषम ये है और ये है, कैठो है? एक गो, दो गो, दो गो। ये तीन तरह का क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है? कहेगा सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? योग मैंने जोड़, जोड़ो सभी गुणनखंड को। 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25 और 3, 28। कहेगा कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सम कौन कौन है? ये। तो कह रहा है कि सम गुणनखंडों का योग, तो 12, 6, 18, 4, 22, 2, 24। उसी तरह कहेगा विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो विषम कौन कौन? ये। तो योग पूछ रहे जोड़ो, 3 और 1, 4। तो टोटल 6 तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ये तो हो गया छोटा संख्या, 12 पूछा तो हम करके देख लिए और आराम से जोड़ भी लिए, जो भी करने को कहा, जो भी क्वेश्चन पूछा, हम आराम से देख के जवाब दे दिए। लेकिन समस्या तब आएगा जब आपको पूछेगा कि 840 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, 960 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सभी सम गुणनखंडों का योग बताओ, तब क्या करेंगे? मतलब यही क्वेश्चन अगर बड़े संख्या के लिए पूछे तब क्या करेंगे, उसके लिए है ट्रिक। वो ट्रिक बताते हैं आपको, आप आराम से 3 से 4 सेकंड में सब कुछ बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो ट्रिक। तो बहुत आसान है मेरे भाई, सबसे पहले 240 लिख दीजिए। लिख दिए 240 को क्या लिख सकते हैं? 24 × 10 लिख सकते हैं। 24 को क्या करेंगे? 8 × 3 और 10 को 5 × 2। 8 में कई गो दो? 3 × 2, एक गो दो यहाँ, टोटल 4 × 2। तो 4 × 2 को 2 का पावर 4 लिख देंगे। यहाँ 3 है एक ही ठो, तो 3 का पावर 1। 5 है एक ही ठो, तो 5 का पावर 1। ऐसा हम लिख देंगे। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना आए तो ठीक, नहीं तो आप क्या करना, एलसीएम ले लेना 240 का, 2 से एलसीएम आ गया। देखो कैठो दो, 1, 2, 3, 4, 4 × 2 तो 2 का पावर 4, 3 कैठो 1 ठो तो 3 का पावर 1, 5 कैठो 1 ठो तो 5 का पावर 1। ये लिख लिए, अब सवाल मेरा 90% बन गया, 90% बन गया। तो अब क्या करना है? देखो 2 का पावर कितना है? 4। जितना भी पावर रहेगा ना उनमें से एक जोड़ देना है। 2 का पावर 4 है तो एक जोड़ दो, कितना हो गया? 5। 3 का पावर 1 है तो उनमें एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2। 5 का पावर 1 है तो उसमें एक जोड़ दो, गुना 2, 5 × 10 × 20, यही 20 हो गया आंसर, ठीक है। जब आप रिवाइज कीजिएगा ना तो आपको ये दो लाइन तो लिखने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप ये लिखिएगा और डायरेक्ट आंसर पे आ जाइएगा। ऐसे करना डायरेक्ट है 5 × 10 × 20, क्योंकि आपको पता है एक एक जोड़ के गुना करना है, एक एक जोड़ के गुना, तो बहुत ही आसान है। ये हो गया क्या? सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब हमको पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, क्या पूछ दे? सम गुणनखंडों की संख्या, चलो देखो ये क्या हो गया। देखो हम अगर चार्ट बना ले, ये हो गया क्या? सभी गुणनखंडों की संख्या। अब हमको एक और पूछ सकता है सम गुणनखंडों की संख्या, एक और पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। हम लोग पढ़े हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या 20 निकला, बहुत ही आसान। सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म में तो हमको लाना ही पड़ेगा इसको, 240 को जो भी संख्या दिया रहे, तो हम लिखते हैं 2 का पावर 4 × 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1, लिया है। जब सम कहेगा तो 2 का पावर जितना रहेगा ना, सिर्फ याद रखना 2 का पावर जितना रहेगा उनमें से एक नहीं जोड़ेंगे, जितना है उतने लिखेंगे 4, अब बाकी सब में एक जोड़ देंगे। 3 का पावर 1 है तो उनमें एक जोड़ो 2, 5 का पावर 1 है तो उनमें एक जोड़ो 2, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ये हो गया आपका आंसर। सम के लिए क्या करना है? याद रखना है कि 2 का पावर जितना रहेगा, 2 का पावर
जितना रहेगा उतना ही रखेंगे, ठीक है, एक नहीं जोड़ना है, उतना ही रखेंगे, है ना, बहुत आसान है। अब विषम गुणन खंडों की संख्या पूछे तो उसके लिए भी पहले ये तो लिखना है हमको, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। कहने का मतलब कि आप ये लिए आओ, चाहे एलसीएम के थ्रू जो बताएं या फिर डायरेक्ट ये लिख लो, तो आप सभी गुणन खंडों की संख्या, सम गुणन खंडों की संख्या, विषम गुणन खंडों की संख्या आराम से निकाल लेंगे। तो जब भी विषम गुणन खंडों की संख्या पूछे तो इसमें क्या करना है, जो 2 का पावर 4 रहेगा इसको हटा देना है, भाग 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 इसको रखने नहीं है। मतलब ये हुआ कि 2 का पावर जितना भी रहे उसको लिखने नहीं है, साफे 2 से दुश्मनी, जब भी विषम कहे तो 2 से समझो दुश्मनी हो गया, 2 का पावर कुछ भी रहे, 4, 5, 3, 2, 1 सबको हटा देंगे। तो 2 का पावर 4 था उसको हटा दिए, बचा कौन, ये दोनों, तो पावर में 1 जोड़ो 1 में से 1 2 गुना इसका पावर 1, तो 2, 2 दुना 4, तो विषम गुणन खंडों की संख्या कितना हो गया, 4, है ना, कितना आसान है मेरे भाई। चलो एक और संख्या लेते हैं, 360। अब 360 को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 360 लिखेंगे जैसा बताए हैं, तो 36 गुना 10 लिख सकते 360 को, 36 को क्या लिखेंगे, 9 चौका 36, इधर 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 2। तो यहां देखो 2 है यहां 2 गो 2 दुना 4, 2 तो 2 और 1 तो 2, यहां 3 गो 2, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे, गुना 9 में कई ठो 3, 2 ठो 3, 3 तिया ही 9, तो 3 का पावर 2 लिख देंगे। अब 5 एक ही ठो है तो गुना 5 का पावर 1, आप इसको एलसीएम से भी निकाल सकते हो। आप जैसे ही ये लिख लिए तो आपका सवाल बन गया, कहेगा सभी गुणन खंडों की संख्या, तो क्या करेंगे, सब में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे, 3 है तो 1 जोड़ 2 4, पावर 2 है तो 1 जोड़ 2 3, पावर 1 है तो 1 जोड़ 2 4 तिया 12 दुना 24, सभी गुणन खंडों की संख्या हो गया। अगर हमको कहेगा सम गुणन खंडों की संख्या तो क्या करेंगे, सम के लिए हम बताए थे कि 2 का पावर जितना रहेगा उतने लिखेंगे, बाकी सब में एक एक जोड़ देंगे, तो 2 है पावर इसका तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर इसका पावर 1 है 1 जोड़ो तो 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 दुना 18, वो सम गुणन खंडों की संख्या। विषम के लिए क्या बताए थे, विषम के लिए बताया कि 2 का पावर जितना रहेगा इसको खत्म कर देंगे, कुछ भी रहे 2 का पावर, हमको 2 से मतलब रहेगा ही नहीं, बाकियों से मतलब है। तो चलो इसका पावर 2 है तो 1 जोड़ 2 3, इसका पावर 1 है तो 1 जोड़ 2 2, 3 दुना 6, तो 360 का सभी गुणन खंडों की संख्या 24 है, सम गुणन खंडों की संख्या 18 है, विषम गुणन खंडों की संख्या 6 है ना, बहुत आसान। चलिए हम लोग सभी गुणन खंडों की संख्या, सम गुणन खंडों की संख्या, विषम गुणन खंडों की संख्या निकालना आराम से सीख गए, ठीक है। अब आगे सीखेंगे कि सभी गुणन खंडों का योग क्या होगा, सम गुणन खंडों का योग क्या होगा, विषम गुणन खंडों का योग क्या होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे हमको 240 का पूछा है तो 240 को पहले लिख लेंगे मेरे भाई, और इसको हूबहू वैसे ही जैसे पहले लिखते थे, 24 गुना 10, 8 गुना 3, 24 को लिख सकते हैं, 10 को 5 गुना 2, यहाँ 3 को 2, यहाँ 1 को 2, तो 2 का पावर 4, तो टोटल 4 को 2 हुआ ना, तो 2 का पावर 4, यहाँ 3 है 1 ही ठो तो 3 का पावर 1, 5 1 ही ठो तो 5 का पावर 1 लिख दिए। अब अगर हमको कहेगा कि सभी गुणन खंडों का योग तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 का पावर 4 है ना, तो हम शुरू करेंगे इसे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, ऐसे कर देंगे, कोष्ट में बंद कर देंगे। फिर 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, मतलब जहां तक रहेगा पावर 0 से शुरू करेंगे वहां तक पहुंचेंगे। 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 0 से शुरू किए 4 तक आए जोड़ जोड़ करते। फिर 3 का पावर जितना रहेगा 0 से शुरू करेंगे वहां तक जाएंगे 1 है। उसी तरह 5 का पावर जितना है तो वहां तक जाएंगे 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, आ गए। अब देखो आराम से, दुनिया में किसी भी संख्या का अगर पावर में 0 है तो उसका मान होता है 1, याद रखना। 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16। उसी तरह 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 का मतलब 3,
उसी तरह पांच के ऊपर जीरो का मतलब एक, पांच का ऊपर एक का मतलब पांच। तो क्या करो, सबको आराम से कर दो। ये सब ना आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी मुहे में करने वाला है। एक दो चार, चार दो छः एक सात, सात और आठ पंद्रह, और सोलह इकतीस, डायरेक्ट इकतीस लिखते, ये करने का जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो डायरेक्ट आपको लिखना है क्या संख्या। तो चलो ये समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब सबको जोड़ो तो सोलह आठ चौबीस, चौबीस चार अट्ठाईस, अट्ठाईस दो तीस एक, इकतीस गुना गुना है तीन एक चार गुना पाँच एक छ, तो छ चौका चौबीस, तो इकतीस गुना चौबीस, चौबीस से कम चौबीस का चार हासिल दो, चौबीस दिया बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर सात सौ चौवालीस, दो सौ चालीस के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा सात सौ चौवालीस। ये समझ में आया तो चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर करते रहना नोट। अब हम लोग देखते हैं 240 के सभी सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। सम के लिए बिल्कुल आसान है मेरे भाई, वही तरीका जो पीछे अपनाए थे। तो सबसे पहले ये तो हमको लिखना ही है, तो दो का पावर चार गुना तीन का पावर एक गुना पांच का पावर एक। अब सम के लिए क्या करेंगे कि दो का पावर जीरो से शुरू नहीं करेंगे, दो का पावर एक से शुरू करेंगे, चार तक जाएंगे। दो के लिए, सिर्फ दो के लिए याद रखना, जब भी सम वाला बात आए तो पावर यहां जीरो से नहीं एक से शुरू करेंगे, ठीक है। किसके लिए, सिर्फ दो के लिए, सिर्फ दो याद रखना, लिख लो कहीं नोट में। दो का पावर एक प्लस दो का पावर दो प्लस दो का पावर तीन प्लस दो का पावर चार, तीन का पावर जीरो जोड़ तीन का पावर एक। बाकी सबके लिए वही नियम करेंगे जो यहां करते थे, जीरो से शुरू करेंगे अंत तक जाएंगे। उसी तरह पांच का पावर जीरो जोड़ पांच का पावर एक, आप सबको जोड़ दो तो दो का पावर चार मतलब सोलह, दो का पावर आठ मतलब दो का पावर तीन का मतलब आठ, सोलह आठ चौबीस, दो दूना चार चौबीस चार अट्ठाईस, और दो का पावर एक का मतलब दो अट्ठाईस दो तीस गुना तीन का पावर जीरो एक, तीन का पावर एक तीन, तीन एक चार गुना इसका मान एक, पांच का पावर जीरो मतलब एक, पांच का पावर एक मतलब पांच, पांच और एक छ, छ चौका चौबीस, चौबीस दिया बहत्तर सात सौ बीस हो गया। समझ में आया, ये हो गया सम गुणनखंडों का योग। ये किसका योग हो गया, सम गुणनखंडों का योग, आप लिख लो अपने कॉपी में कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह हमको विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो ये तो लिखना ही है, दो का पावर चार गुना तीन का पावर एक गुना पांच का पावर एक। याद रखना पिछले सवाल की तरह, जब भी हमको विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो उस कंडीशन में दो का पावर कुछ भी रहे उसको हटा देंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जब भी विषम पूछे दो का पावर हटा देंगे, रिमूव, रिमूव फ्रॉम बोर्ड, रिमूव फ्रॉम कॉपी, फाड़ नहीं देना कॉपी। चलिए तीन का पावर एक है तो इसको वही प्रोसेस चलेंगे जैसा यहाँ चले थे, तीन का पावर जीरो जोड़ तीन का पावर एक, पाँच का पावर जीरो जोड़ पाँच का पावर एक, एक जोड़ तीन, यहाँ एक जोड़ पाँच, क्या कि किसी भी संख्या का पावर जीरो एक होता है, तीन एक चार गुना पाँच एक छ, छ चौका चौबीस, विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा चौबीस। कितना आसान है ना, बहुत आसान। आपको ये सब नहीं करना है, आप डायरेक्ट अगर रिविजन किए हुए रहेंगे ना, तीन का पावर एक है तो इसका मतलब आपको पहले से पता होगा कि तीन का पावर जीरो से शुरू करना है, तीन का पावर जीरो एक और तीन का पावर एक तीन, तीन और एक चार, तो डायरेक्ट आप चार लिखते। उसी तरह इसके बदले डायरेक्ट आप छ लिखते, क्योंकि पाँच का पावर जीरो प्लस पाँच का पावर एक मतलब पाँच और एक छ, छ चौका चौबीस लिख देते। तो ये सब रिविजन का खेला है, आपको समझाने के लिए हम इतना लंबा लिखे हैं, बाकी बहुत आसान है, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्या करना है, और हम जो बोले हैं उसको भी लिखिए कि जब सम गुणनखंडों का योग पूछे तब दो के साथ क्या करना होता है, जीरो से शुरू नहीं करना होता है दो को, ठीक है। और जब विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो दो का हटा ही देना है, समझे। किसी भी संख्या का पूछे, किसी भी संख्या का, सब में वही दो का खेला है। सम गुणनखंड पूछे तो दो का पावर जीरो से शुरू नहीं करना है, एक से शुरू करना है। विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो दो का पावर ही हटा देना है। तो हम आपको देते हैं और भी कई संख्या, आप बनाइए, तो होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। 360, 940, 710 ये आप बनाओ, और सब क्वेश्चन बनाओ इससे रिलेटेड, कि जैसे 710 का सभी गुणनखंडों का योग
इसके सभी सम गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंडों का योग, उसी तरह सभी गुणनखंडों की संख्या भी निकालना है और विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकालना है और विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकालना है।